नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इन दोनों सुविधाओं को जनता के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताते के साथ ही डॉक्टरों को मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करने, सकारात्मक प्रतिस्पर्धी बनने और निरंतर रिसर्च करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो कि मरीज डॉक्टर से प्रभावित होकर जाए। ब्लड बैंक डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन और दोनों का निरीक्षण करने के बाद एम्स के ऑडिटोरियम में आयोजित लोकार्पण समारोह में सीएम योगी ने कहा कि सकारात्मकता हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाती है। यदि कोई चिकित्सक नकारात्मक सोच का है तो मरीज का बेहतर उपचार नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने इसे फ्लाइट्स और कोरोना नियंत्रण में अंतर विभागीय समन्वय वाले टीम वर्क मॉडल का अनुभव साझा करते हुए कहा कि एम्स जैसे मेडिकल संस्थान में श्रेष्ठ परिणाम के लिए सकारात्मकता और टीम वर्क जरूरी है। एम्स गोरखपुर में ब्लड बैंक और डायलिसिस सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में ब्लड बैंक किसी भी मेडिकल संस्थान की एक आत्मा कही जा सकती है और आज के संदर्भ में इसके बगैर वहां की व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एम्स गोरखपुर में यह सुविधा अब प्रारंभ हो गई है और मुझे लगता है कि एक एक करके उन सभी सुविधाओं में यहां वृद्धि हो रही है जो वर्षों से लोगों की एक भावनाएं थी। मुझे बताया गया कि एफएसएस की सुविधा से युक्त यहां पे ब्लड बैंक पहले चरण में ही प्रारंभ हो रहा है। कितना कठिन था, मुझे याद है आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले गोरखपुर में 2-3 ब्लड बैंक थे और उस समय भी केवल होल ब्लड ही निकलता था। मेडिकल के क्षेत्र में मुझे एक लंबे समय तक नजदीक से कार्य को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, खासतौर पर जब इंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए मरीजों के उपचार और उस व्यवस्था को नजदीक से देखने का मुझे एक अलग अनुभव वहां देखने को मिला था। बाद में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक छोटे से हॉस्पिटल का संचालन प्रारंभ हुआ, एक चैरिटी हॉस्पिटल। वहां की कार्यपद्धति को मैं बहुत नजदीक से देखता था और मुझे आश्चर्य होता है कि उस समय गोरखपुर में आईसीयू नहीं थे, ब्लड बैंक थे लेकिन ब्लड बैंक में उस क्वालिटी नहीं दे पाते थे। 2007 में पहला ब्लड सेपरेटर यूनिट मैंने ट्रस्ट की तरफ से, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की गोरखनाथ चिकित्सालय में स्थापित करवाया। उस समय जब हम लोग भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर से इसके बारे में बात करते थे तो चौंकते थे कि क्या अच्छा ये सुविधा वहां पे दे रहे हैं। और 2014 में एफएसएस की पहली यूनिट हम लोगों ने गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के हॉस्पिटल में लगाई। आप देखें हम तकनीकी दृष्टि से कितने हम लोग पीछे हैं। 10 वर्ष पहले जो सुविधा हम लोग पहले दे चुके हैं आज हम लोग उसको आज स्थापित कर रहे हैं। एक व्यक्ति की एक यूनिट ब्लड में 4 लोग लाभान्वित हो सकते हैं और अब तो अगर किसी को प्लेटलेट्स की आवश्यकता है तो बाकी होल ब्लड की आवश्यकता ही नहीं। अगर हमने तकनीक का उपयोग बेहतर किया है और आज के अनुरूप हम कार्य करते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान को हम बचा सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे देश में एम्स की बहुत बड़ी डिमांड है। नई दिल्ली में पहले एम्स की स्थापना के बाद दशकों तक दूसरा एम्स नहीं बना था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रधानमंत्री काल में देश को 6 एम्स दिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में एम्स की संख्या 22 हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार जनता के इलाज के लिए चिकित्सा संस्थानों की हर सुविधा देने को तत्पर है और उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान योजना का लाभ उपलब्ध करवाया गया है। सरकार सभी 75 जिलों में किसी न किसी अस्पताल के जरिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध करवा चुकी है। कितनी डिमांड है एम्स की देश के अंदर, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला एम्स जब स्थापित हुआ था, पहले एम्स के स्थापित होने के बाद कई दशक तक कोई एम्स स्थापित नहीं हुआ। दिल्ली एम्स की भीड़ को हम देखते थे। सदैव अटल जी ने 6 नए एम्स स्थापित किए थे और 6 नए एम्स स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में बढ़कर के इनकी संख्या 22 हो चुकी है। देश के अंदर 22 एम्स आज के दिन पर कार्य कर चुके हैं। अभी मुझे पिछले सप्ताह ही एम्स रायबरेली के उद्घाटन में जाना पड़ा था। रायबरेली का एम्स विधिवत उद्घाटन गत वर्ष उसका हुआ है, अब इसी वर्ष हुआ है, अभी एक सप्ताह पहले हुआ है। गत वर्ष वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और आज हम लोग एम्स गोरखपुर में पिछले 3 वर्ष से यहां पे अपने पाठ्यक्रम को भी संचालित कर चुके हैं। बहुत संभावनाएं आपके पास कार्य करने की और आज के अवसर पर मुझे लगता है कि आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर रहा है। पूरी दुनिया सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, आस्था का सम्मान, आजीविका आदि क्षेत्रों में नए भारत का दर्शन कर रही है। दुनिया इस नए भारत की ताकत को समझ रही है। देश के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया जा रहा है तथा प्रत्येक वायदे को पूरा किया गया है। सीएम योगी जनपद गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में 1,006 करोड़ रुपए की लागत की 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के पश्चात इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लिए महानगर और जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर वासियों को विकास की बड़ी सौगात मिल रही है। यह जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी सौभाग्य की बात है। गोरखपुर में अच्छी सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर कारखाना, चीनी मिल जैसी सुविधाएं हैं। रामगढ़ ताल शूटिंग के साथ साथ लोगों के लिए घूमने का अच्छा स्थल बन चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य चल रहे हैं और कुछ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे कार्य इसलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चल रही है। उसकी ताकत का एहसास प्रत्येक व्यक्ति को है और उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया को कभी भी बाधित नहीं होने दिया जाएगा। आज जैसे देश विकास कर रहा है, हरेक क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, आर्थिक समृद्धि का हो, आस्था के सम्मान का हो, आजीविका का हो, जीवन के हरेक क्षेत्र में एक नए भारत का दर्शन दुनिया कर रही है। एक नया भारत, दुनिया उसकी ताकत को समझ रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब उत्तर प्रदेश को कोई हेय दृष्टि नहीं देखता। ये जो चुनाव में तमाम लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई झूठे वायदे करेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कहा था वो करके दिखाया है और जो कहेंगे फिर उसको करके दिखाएंगे। याद करिए, गोरखपुर की सड़कें आज तो अच्छी हुई है ना, अब पसंद आ रही सड़कें हैं। ऐसे ही गोरखपुर में एम्स प्रारंभ हो गया है ना, फर्टिलाइजर का कारखाना प्रारंभ हो गया है ना, पिपराइत में चीनी मिल चालू हो गई ना, ये रामगढ़ ताल की तरफ आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य
अब केवल रविकिशन की फिल्मों के लिए ही नहीं, आप भी परिवार में कोई मेहमान आ जाए तो घुमाने के लिए लेके जाना है तो रामगढ़ ताल की तरफ भी घूमने के लिए आपके लिए बस्तर हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च तक योगी कैबिनेट में कुछ नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि इस कैबिनेट विस्तार में सपा प्रमुख ओम प्रकाश राज पर बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान सहित आरएलडी से एक चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा इस विस्तार में बीजेपी के 1 से 2 चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें बीजेपी से दारा सिंह चौहान के अलावा 1-2 और चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।